এখন গাধি যেরকম সবুজ সবুজ গাছ দেখে কি করেছে ওই ঘাস থেকে ভিতরে ঢুকে গিয়েছে সেই রকম ভাবে গোমানে হলো ইন্দ্রিয় আমাদের এই ইন্দ্রিয়টাও এই সংসারের যে সবুজ সবুজ ঘাস দেখে সবুজ সবুজ ঘাস মানে কি এই সংসারটি দেখতে খুবতে ভালো উপর থেকে সংসারটি কিরকম হরে কৃষ্ণা ऊपर से संसार देखने के लिए बड़ा सुंदर लगता है क्या प्यारी क्या मीठी बड़ा मधुर लगता है ऊपर से लेकिन महाराज हरे कृष्णा देखो है देखते ऊपर से ये संसार तो बड़ी अच्छी लगती है हाँ जैसे सोने का कलसी जैसे लेकिन अगर उसके अंदर में हाथ डालना वो जहर जहर है और कुछ नहीं संसार में इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते संसार दावा संसार ऊपर में देखने में बड़ी अच्छी लगती प्यारी इसलिए कहते ना पहले पत्नी कैसे लगती है ये चंद्रमुखी एक चंद्रमा तो आकाश में और एक चंद्र हमारे पास में बड़ी प्यारी लगती है लेकिन कुछ दिन बाद में क्या लगती है सूर्यमुखी फिर कुछ दिन बाद में फिर ज्वालामुखी फिर तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है लड़ाई कहते वही उसी तरह ये संसार देखते खूब हाल लगते বাবারে কত সুন্দর কত সুন্দরী বুঝতে পারছেন তো কিন্তু যখন ভিতরে প্রবেশ করে না সেখানে আগ জ্বল রই হে কই তন সে দুখী কই মন সে দুখী কই ধন সে দুখী কই বিবি সে দুখী কই শ্বশুর সে দুখী কই সাস সে দুখী কই তন সে দুখী কই মন সে দুখী কই পতি সে দুখী কই পড়োশী সে দুখী কই পয়সা সে দুখী 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 সংসার লেকিন উপর ক্যা লাগতি হে বড়ি প্যারি লাগতি হে বড়ি সুহাবনা লাগতি হে इसलिए ये हरी हरी लगता है ये इंद्रिय क्या करती है ये संसार सुख के लिए जब अंदर में प्रवेश करता है चारी तरफ में देखा आग अंदर में आग जल रही है फिर क्या करनी चाहिए आग लग गई क्या करनी चाहिए जैसे कृष्ण कहते आग बंद कर लो आग बंद कर क्या करो भगवान को स्मरण करो आग बंद भगवान के डाकू भगवान की कर ले तेरी सही अंजलि दिए तेरी संपूर्ण अग्नि के वो पान कर लेते हैं फिर देखते हैं कुछ नहीं आग भाग कुछ है ही नहीं सुंदर ये फिर नीचे गोरुगुल सुया चेर नीचे आर सुंदर भावे सेखाने घास खाले फिर अर्थ हलो यदि संसार तो हमारा प्रवेश कर गिए थी किंतु एखन आमादेर की करते हबे एखन आमादेर के सद्गुरु चरण आश्रय नीते हबे अभी हमें सतगुरु का चरण आश्रय लेकर के हे ठाकुर जी हम तो संसार में फंसी गए इसलिए आप ही ये संसार से हमें उबार सकते हो उधार कर सकते हो अगर करे तो फिर भगवान क्या करेंगे अग्नि को उन्होंने पान करने में अग्नि पान करने ले अवार से दुख कष्ट समस्त दूर हो जावे अतः एकाने एक समय कृष्ण तिथि सखादर संग बसे छिले एकाने एक बत्सा शुरू ऐसे गए ও একটি বাছুর রূপ ধারণ করি এসে গেছে বত্তা তো এসে কি করছে ওই বাছুরদের সঙ্গে মিলে গেছে ও চিন্তা করছে গোবিন্দ তো বাছুরদের ভালোবাসে গুরুদের কে ভালোবাসে অতএব যদি আমি বাছুর হই যাই গোবিন্দ কি করবে আমাকে গলায় লাগা হ্যাঁ আমাকে গলায় লাগাবে যখন গলায় লাগাবে তখন আমি গলা ধরে একটু টিপে দেব ও ওই মনে করে কি করছে ওই বাছুরদের সঙ্গে ডুবে গেছে আর কৃষ্ণ বলরাম এখানে বসে আছে দেখ লেন ওই যে অসুর তো ওর রাক্ষস যখন বাথুর জল থেকে ঘুষে ঢুকে যায় ওদের সব শরীর থেকে একটি দুর্গন্ধ বের হয় এখন ও বাথুর সঙ্গে মিলতে চাইছে কিন্তু কোন বাথুর সঙ্গে সুন্দর আসছে না যার সঙ্গে ঢুকে ও সব আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে এখন বলদেব প্রভু দেখছে বলে কৃষ্ণ দেখো এদিকে তাকাও কি রকম ও বাছুরটা তো ঢুকতে চেষ্টা করছে মিলতে কিন্তু কোন বাছুর মিলছে না আলাদা হয়ে আছে মনে হচ্ছে ইয়ে বাছুর নাই কোন রাক্ষস এখন সাবধান হয়ে যাও এটি মধ্যে যখন ওই বাছুরটা ধীরে ধীরে যখন ওই কৃষ্ণের কাছে এসছে না সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ কি করছে ওর পিছনে যে পা দুটোকে ধরেছে পা দুটোকে ধরে ধরে ঘুরিয়ে 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 এখানে একটা গাছ ছিল ওর নাম হলো কেটেবেল বাংলায় কি বলে
हिंदी कई तो बेल चिलो वही गाचे ते घुरिए घुरिए इतको जोर से तेरी मेरे चे संगे संगे जब पाका कहीं तो बोले चिलो ना धड़ा धड़ा कर तुम पट्टा आरम्भ कर दिए चे आर सकारा प्रसन्न वही है चे ये तो वही जे मार मेरे दिलो चार दिगे रक्त भक्त चार दिगे बड़ी गे चे आर खेलो ना अतः कृष्ण खाने से भक्ता सुन के भक्त करे आर कृष्ण खाने श्री बलदेव प्रभु खाने वही प्रलंबा स्वरूप खाने यही पर कृष्ण बलदेव प्रभु प्रलंबा स्वरूप की भी उन्होंने बात किया है। कहते ये प्रलंबा स्वरूप कौन है? बोले ये प्रलंबा स्वरूप ये कपट है। ये प्रलंबा स्वरूप कौन है? कहते ये प्रलंबा स्वरूप कपट कपट का प्रतीक है। काम क्रोध लोभ और प्रतिष्ठा मान इसका प्रतीक है। बलदेव प्रभु यही पर उन्होंने उन्होंने सिर्फ प्रलंबा स्वरूप भी बध किया है क्योंकि बलदेव प्रभु गुरु तत्व है। उनकी कृपा से ही ये कपट छल और प्रतिष्ठा का स्त्री लापट्य इनकी कृपा से ही दूर हो सकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान बहुत लीला की वहां पर एक कुआ देखे होंगे जब कृष्ण यही रास कर रहे थे इतने में राधा रानी की प्यास लगी तो कृष्ण ने सुंदर बंसुरी बजाए और बंसी ध्वनि सुन करके जो कुआ देखे है ना यही पर वो कुआ प्रकट हुआ है। और इसी पानी से कृष्ण उन्होंने गोपियों को राधा रानी को उन्होंने प्यासा भी यहीं पर बुझाया। यहाँ पर अनंत लीला है। इसको बाद में ये पास में एक बंसीवट हम बंसीवट जाएंगे बंसीवट में हम लोग बंसीवट का कथा वहां पर सुनेंगे। ये यहाँ पर भगवान बहुत बहुत सारे लीला यहीं पर भगवान की है। आप लोग सब कैसे प्रणाम करो यहाँ का चरण दुर्ग स्पर्श करो और प्रार्थना करो एक दिन जैसे हमारा हृदय में ये भगवान की ये सारे लीला हृदय में प्रकटित हो। हरी हरी बोल।